नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेयर थ्री एजुकेशन में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं आज एक कंप्यूटर का वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, एमएस वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन होता है। ऑप्शन ए डॉट DOC, ऑप्शन बी डॉट TXT, ऑप्शन सी डॉट PPT, ऑप्शन डी डॉट XLS। तो इसका हम राइट आंसर देख लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि डॉट DOC, यानी हम जो एमएस वर्ड में कोई भी फाइल बनाते हैं, जब हम उसको सेव करते हैं तो उस फाइल का एक्सटेंशन यानी पीछे का जो वर्ड आएगा, जैसे कोई भी फाइल हमने सेव करी तो उसका जो वर्ड आएगा, उसके पीछे जो वर्ड आएगा डॉट DOC लिखा रहेगा। ऑप्शन बी की अगर बात करें डॉट TXT, तो अगर हम कोई भी फाइल नोटपैड में बनाते हैं तो नोटपैड फाइल जब हम सेव करते हैं तो उसके पीछे जो एक्सटेंशन बनेगा वो बनेगा डॉट TXT। अगर सी ऑप्शन सी की बात करें डॉट PPT, तो अगर हम कोई भी फाइल पावर पॉइंट में बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन रहेगा डॉट PPT। ऑप्शन डी की बात करें डॉट XLS, ये रहेगा आपका एक्सेल में। जब भी हम कोई फाइल एक्सेल में बनाएंगे तो उसका जो एक्सटेंशन रहेगा वो रहेगा डॉट XLS। तो चलिए चलते मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल की पूरी वर्कशीट एक साथ सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। यहाँ पे हमको ऑप्शन में शॉर्टकट की दी हुई है। जैसे पहली देखते हैं ऑप्शन ए Ctrl+A, ऑप्शन बी देखें Ctrl+V, ऑप्शन सी Ctrl+Z, ऑप्शन डी Ctrl+Y। तो इसका आंसर देख लें, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है Ctrl+A। तो जब भी हम एक्सेल में को पूरी वर्कशीट को एक साथ सिलेक्ट करते हैं तो हमें Ctrl+A दबाना होता है, जिससे कि हमारी पूरी वर्कशीट में एक साथ सिलेक्ट हो जाता है। अब ऑप्शन बी की बात करें Ctrl+V, तो ये Ctrl+V जो हमारे लिए यूज़ होता है, हम जब भी कोई चीज़ कॉपी करते हैं Ctrl+C से, तो उसको कहीं भी पेस्ट करने के लिए हम Ctrl+V का यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी देखें Ctrl+Z, Ctrl+Z जो होता है अंडू के लिए यूज़ होता है। अंडू यानी कोई भी हम इनपुट देते हैं और वापस जाने के लिए अंडू का यूज़ करते हैं, तो हम अंडू का यूज़ करने के लिए Ctrl+Z का यूज़ करेंगे। ऑप्शन डी है Ctrl+Y, तो ये रेडू का होता है। जैसे अंडू करने के बाद जब हम वापस जाना चाहते हैं तो Ctrl+Y करते हैं, उससे रेडू हो जाएगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, 1 MB लगभग कितने के बराबर होता है। 1 MB यानी 1 MB जो है कितने के बराबर होता है। ऑप्शन ए अगर देखें तो ऑप्शन ए है 1000 bytes, ऑप्शन बी देखें 1024 kilobytes, ऑप्शन सी 1000 bits और ऑप्शन डी है 1024 GB। तो इसका आंसर अगर हम देखें तो 1 MB में कितना KB होता है, क्योंकि KB से मिलकर MB बनता है, ये हम डिस्कस करेंगे नीचे। तो इसका ऑप्शन अगर हम देखें ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी है 1000 किलोबाइट। किलोबाइट यानी KB, ये सब हम अच्छी तरह से जानते हैं। एक बार हम नीचे पूरा डिस्कस कर लेते हैं मेमोरी मेजरमेंट। आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ समझाया है, जैसे 4 बिट मिलाकर एक निबल होता है और 8 बिट मिलाकर 1 बाइट बनता है। जब 1 बाइट पूछा जाए आपसे कभी क्वेश्चन में कि 1 बाइट बराबर कितना होता है, तो हम ऑप्शन में दिखेगा हमको 8 बिट, 8 बिट मिलाकर 1 बाइट बनता है। और ऐसे ही हम अगर नीचे देखें तो 1024 यानी 1024 bytes मिलाकर 1 KB बनता है, 1 KB, और 1024 KB मिलाकर 1 MB बनता है, 1 MB। 1024 MB मिलाकर 1 GB बनता है, और 1024 GB मिलाकर 1 TB बनता है। तो ऐसे ही ये मेमोरी का मेज़रमेंट है। आप अच्छी तरह जानते हैं MB और GB, आप यूज़ करते हैं मोबाइल, आपको पता है कि 1 GB 1.5 GB कितना होता है। तो ये सब मेमोरी मेज़रमेंट है जो आपसे जनरली पूछे जाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर का, वो चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से किस देश में इंटरनेट प्रयोगकर्ता यानी इंटरनेट यूजर की संख्या सबसे ज़्यादा है। जैसे हम ऑप्शन पढ़ें, ऑप्शन ए है चीन, चीन में सबसे ज़्यादा है,
या बी जापान में सबसे ज़्यादा है, या ऑप्शन सी भारत में सबसे ज़्यादा है, या ऑप्शन डी अमेरिका में सबसे ज़्यादा है। तो अगर इसका आंसर देखें, इसका आंसर होगा, आप अगर सोच रहे हैं कि ऑप्शन इसका ए है तो गलत होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट यूज़र हैं वो हैं आपके अमेरिका में, अमेरिका में सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़र हैं। तो ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसके बाद वाला, इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछ रहा है, यूएसबी का फुल फॉर्म निम्नलिखित में से कौन सा होगा। यूएसबी का फुल फॉर्म निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ऑप्शन ए है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन बी है आपका यूनिवर्सल फेट बस, ऑप्शन सी है आपका यूनिफाइड सीरियल बस, और ऑप्शन डी है आपका यूजर सीरियल बस। तो इसमें हम आंसर देख लें, तो इसका आंसर क्या होगा, जैसे कि आपको पता ही होगा इस यूएसबी का बहुत ही कॉमन है, इसका आंसर होगा आपका यूनिवर्सल सीरियल बस, जो कि हमारा ऑप्शन पहला है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है लेन, लोकल एरिया नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर, डाटा हस्तांतरण, मतलब डाटा ट्रांसफर की रेट जो है वो कितनी रहती है। ऑप्शन ए 1 से 10 MB/s, ऑप्शन बी 1 से 100 MB/s, ऑप्शन सी 10 से 100 MB/s, या ऑप्शन डी 100 से 1000 MB/s। तो इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है ऑप्शन हमारा बी, जिसमें है 1 से लगातार 100 MB/s। तो लोकल एरिया नेटवर्क आपने सुना ही होगा, टाइप्स ऑफ नेटवर्क हैं, इसको हम नीचे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने नीचे लिख रखा है टाइप्स ऑफ नेटवर्क, जैसे हम पहला पहला देखें लोकल एरिया नेटवर्क लैन, जो लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है लैन जिसको हम कहते हैं, ये जनरली हमारे ऑफिस में यूज़ होता है। जैसे कि ऑफिस में सब जो हम सिस्टम जोड़ते हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़ते हैं। और जैसे कि हम किसी सिटी की बात करें, जैसे कोई भी सिटी है, तो उसके जो सिस्टम है आपस में जोड़ने के लिए हम यूज़ करेंगे मेन का, मेन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और ऑप्शन ऑप्शन तो ठीक है, अगर तीसरा देखें वैन, तीसरा है वैन वाइड एरिया नेटवर्क, जो हमारा इंटरनेट होता है वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी नोड के जोड़ने या हटाने से कौन सी टोपोलॉजी पर प्रभाव पड़ता है। टोपोलॉजी यानी हम सिस्टम को जिस वे में जोड़ते हैं उसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। तो इसका पहले आंसर देख लेते हैं, फिर हमको इसको अच्छे से समझ लेंगे। जैसे कि पहला ऑप्शन है इसका रिंग टोपोलॉजी, दूसरा है स्टार टोपोलॉजी, तीसरा है बस टोपोलॉजी, चौथा है ट्री टोपोलॉजी। तो इसका जो आंसर होगा, नोड यानी कि अगर कोई सा भी एक सिस्टम अगर हम हटा दें तो कौन सी टोपोलॉजी पर प्रभाव पड़ता है, यानी प्रभाव पड़ता है जैसे जोड़ते हैं हटाने से कौन सी टोपोलॉजी प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो इस सिस्टम में अगर हम एक सिस्टम को हटा ले तो बाकी बंद होते हैं, या उन पे जो भी प्रभाव पड़ता है वो कौन सी टोपोलॉजी में पड़ता है। तो अगर हम पहला देखें तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा पहला, पहला हम देख लेते हैं, पहला होगा रिंग, इसका आंसर होगा रिंग। रिंग टोपोलॉजी में सब जो सिस्टम होते हैं वो एक दूसरे से रिंग में जुड़े होते हैं, आगे वाला पीछे से, पीछे वाला आगे से, तो हर एक सिस्टम जो है एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो उसमें अगर हम किसी भी नोड को हटाते हैं या जोड़ते हैं तो पूरे पूरी टोपोलॉजी पे प्रभाव पड़ेगा इसका। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना यानी कि बेसिक जो आर्किटेक्चर है उसका विकास किसने किया था। जैसे कि ऑप्शन है हमारे पास ब्लेज पास्कल, ऑप्शन बी है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी है जॉन वान न्यूमैन, और ऑप्शन डी है डॉक्टर हरमन होलरिच। तो इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। जैसे कि हम सबको पता है इसका आंसर है चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर की खोज इन्होंने की थी चार्ल्स बेबेज ने। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जो है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है। WWW जो हम सुनते हैं उनके आविष्कारक कौन है। ऑप्शन ए है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी है जॉन मुचली, ऑप्शन सी है टिम बर्नर्स ली, ऑप्शन डी है बिल गेट्स। तो हम देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा चार्ल्स बेबेज, तो जैसे नहीं होगा, इन्होंने कंप्यूटर की खोज की थी तो ऑप्शन ये तो कट जाएगा। आपका सही आंसर जो होगा वो आंसर होगा आपका टिम बर्नर्स ली। तो WWW की खोज किसने की है, टिम बर्नर्स ली ने। ठीक है,
अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला साइबर ग्रामीण केंद्र किस राज्य में है, मतलब भारत के कौन से राज्य में पहला जो साइबर ग्रामीण केंद्र खोला गया था वो कौन से राज्य में खोला गया था। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर उत्तर प्रदेश, इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने डिस्कस किए 10 क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही हम सीरीज लाते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।